सर मेरा पहला सवाल आपसे आज ये है, आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट उनकी आई कि उनको पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने नैरेटिव को दोहरा रहे हैं, अपनी डिमांड को दोहरा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और सिलेक्शन इलेक्शन से पहले काबिल कबूल नहीं, तो लोगों में एक तासुर पैदा हो गया है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट भी किया है कि कुछ तजाद पाया जाता है, डिफरेंसेस पाई जाती हैं आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट में, क्या ये दोनों एक ही पेज पर हैं जुल्फिकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। प्लेजर सर। देखिये, मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ही पेज पे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद की, वो बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बारहा दफा कह रहे हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है, कॉज तासुर ये पाया जा रहा है कि किसी को फेवर दी जा रही है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप इंश्योर करें कि इलेक्शन जो हो वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। मैं समझता हूं कि ये उसी बात की तस्दीक है, बल्कि इसमें एडेड वैल्यू बात है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं उन्होंने उसके ऊपर इदारे पे एतमाद का इजहार किया।